हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि प्लांट की जब कटिंग लगाई जाती है तो उसकी कटिंग को सीधा क्यों नहीं काटा जाता, उसको टेढ़ा करके क्यों काटा जाता है। ये काफ़ी पहले क्वेश्चन किया गया था, तो उसका आंसर आज हम आप लोगों को देंगे। उसके लिए हमने एक कटिंग रख ली है यहाँ पर प्लांट की। आपका क्वेश्चन ये है कि जब प्लांट को कट किया जाता है, उसकी कटिंग लगाई जाती है, जैसे कटिंग है तो लगाई जाती है, तो उसको सीधा सीधा क्यों नहीं काटा जाता है, उसको ऐसे टेढ़ा करके क्यों काटा जाता है, ये क्वेश्चन किया गया था काफ़ी पहले। तो आज इसका आंसर हम देते हैं आपको। जब कटिंग लगाई जाती है, फिर इसको प्लांट को, फिर रूट, इसका जो ये पोर्शन है उसको सॉइल में दबा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है, फिर इसमें लीफ निकलने लगती हैं और फिर ये धीरे धीरे प्लांट पे ग्रो कर जाता है। ये प्लांट ग्रो कर जाता है और फिर जिस तरह का प्लांट होता है, चाहे वो छोटा सा श्रब हो, चाहे ट्री हो, जो कुछ भी होता है, वो आगे चल के ग्रो कर जाता है। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन ये है कि इसको टेढ़ा करके क्यों काटा जाता है, इसको इस तरह से सीधा क्यों नहीं रखा जाता। तो इसको जो टेढ़ा किया जाता है, टेढ़ा करके इसलिए काटा जाता है, ये देख लीजिए आप, ये इसको टेढ़ा करके काटा गया है और यहाँ पर देखिए एकदम सीधा है, तो ये टेढ़ा करके काटा जाता है। इसको इस तरह से ज़मीन में दबा दिया जाता है, और ज़मीन में ऐसे सीधा नहीं, ऐसे टेढ़ा करके दबाया भी जाता है। तो इसको इसलिए टेढ़ा किया जाता है ताकि इसका जो एरिया है जो कि सॉइल से टच होगा, जिससे कि वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा ये, और फिर उसके बाद इसमें फिर लीफ वगैरह निकलना शुरू होंगे, तो ये एरिया बढ़ जाए। अब इस तरह से जब इसको अगर सीधा काटा जाता, जैसे ये सीधा काटा गया है, तो इसका एरिया फिर कम रहेगा, ये इसका छोटा एरिया, कम एरिया टच करेगा सॉइल से। लेकिन जब इस तरह से कट कर देंगे तो इसका ज़्यादा एरिया फिर सॉइल से टच करेगा, और ज़्यादा एरिया सॉइल से टच करेगा तो फिर ये ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना इसके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। इधर से अगर लगाएंगे तो फिर वाटर मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ इतने एरिया से एब्जॉर्ब होगा, लेकिन इस तरफ से जब सॉइल में इसको लगाएंगे तो ज़्यादा एरिया, ये एरिया बढ़ जाएगा, तो फिर इतने पूरे एरिया से वाटर्स और मिनरल्स और जो कुछ भी इसको मिलेगा न्यूट्रल मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए, वो यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इसीलिए इस तरह किया जाता है कि ताकि इसका एरिया बढ़ जाए, इसके लिए इसको टेढ़ा काटा जाता है। और इसको बिल्कुल सीधा नहीं लगाया जाता, इसको टेढ़ा इसलिए भी लगाया जाता है कि अगर वाटर लेवल या कुछ है जहाँ तक कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये पूरा का पूरा उससे मिल जाए। ये जैसे ये हम मान लेते हैं सॉइल है, तो ये पूरा का पूरा इससे टच हो जाए और उसको वाटर वहाँ से मिले। अगर सीधा रखेंगे हो सकता है नीचे यहीं तक वाटर हो, यहाँ से ठीक से ना एब्जॉर्ब हो पाए, लेकिन जब इस तरह से रहेगा तो ज़्यादा एरिया के नीचे चले जाने के चांसेस रहते हैं। इस एरिया के अगर ऐसे लगाते हैं तो हो सकता है कुछ एरिया को वाटर मिले, ऊपर वाले को ना मिले, और अगर इस तरह से है और वो पूरा एरिया टच होता है तो फिर पूरे एरिया से फिर जब ये वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो आपका डाउट है कि इस तरह से इसको टेढ़ा करके क्यों काटा जाता है, तो इसी को आमतौर से कलम कहा जाता है, कलम लगाना, कलम काटना। तो इसको इसीलिए टेढ़ा करके काटा जाता है ताकि इसका एरिया बढ़ जाए, तो प्लांट को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना आसान हो जाए, तो फिर वो प्लांट ईजिली ग्रो कर सके। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।